हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल अगेन। एग्री एंड डीम्स मेरा चैनल का नाम है, तो सबको स्वागत करते हैं। और आज जो जिस बारे में मैं ये वीडियो बनाया हो रिलेटेड टू एग्रीकल्चर प्रॉब्लम है, और ये एक ऐप के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे जो एग्रीकल्चर ऐप है, जो बहुत कम लोगों को पता है, और चाहे पता भी है तो इतना शेयर नहीं हुआ है इंडिया पे। तो इस ऐप के बारे में पता करेंगे और इस ऐप का क्या बेनिफिट है तो वो देखेंगे, प्रॉस एंड कॉन्स क्या है वो देखेंगे, और इससे कैसे किसानों को और एग्री प्रोफेशनल्स को कैसे इसका इससे मदद मिल सकती है, ये चीज़ हम लोग यहाँ पे देखेंगे। और वीडियो शुरू करने से पहले सबसे गुजारिश है, जो लोग मेरे चैनल पे पहले बार आए हुए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल बटन को प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि आगे का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और जो लोग पहले से मेरा सब्सक्राइबर है उसको सबको धन्यवाद मेरा चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए और इसको फॉलो करने के लिए। सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल बटन। यार्स ऐप को देख लेते हैं, तो सबसे पहले हमको इस ऐप के ऊपर चलना है। ये ऐप का नाम है प्लांटिक्स, ये आप जो देख रहे हैं ये इसका ऐप का नाम प्लांटिक्स है। ये आपको गूगल प्ले स्टोर से मिल जाएगा आराम से। इस ऐप में बहुत सारे चीज़ इसका फीचर है जो हम लोग देख सकते हैं, तो पहले आपको ये गूगल प्ले से डाउनलोड करके सारे जो एक्सेस ये चाहते हैं उसको अलाउ कर देना है। तो पहले हमको क्या करना है, ये ऊपर सबसे ऊपर राइट पे आपको एडिट वाला ऑप्शन दिख रहा है, एडिट वाला ऑप्शन पे जाना है। यहाँ पे आपको अपना हिसाब से क्रॉप को सिलेक्ट कर लेना है। तो जैसे आपका रीजन पे जो भी क्रॉप है, जनरली अभी दो क्रॉप बहुत चलते हैं, एक तो है राइस और दूसरा है व्हीट। व्हीट हम सिलेक्ट कर लिए, राइस हम सिलेक्ट कर लिया, तो इसको सेव कर दीजिए। तो इसके ऊपर आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। तो अब यहाँ पे सबसे जो चीज़ है, तीन चार चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, वो मैं देख सकता हूँ, आप हम लोग देख सकते हैं कि हेल्थ चेक, ये जो हेल्थ चेक पे हम लोग क्लिक किए इसमें आप नेक्स्ट कर दीजिए, गॉट इट कर दीजिए। इसमें आप अपना फोटो डाल सकते हैं, जो क्रॉप आपका डैमेज है या जिस पे पेस्ट या डिजीज लगा है उसको डाल सकते हैं। जैसे मैं फॉर एग्जांपल एक गैलरी से एक मैं ले लेता हूँ फोटो, जो मेरा पहले से जैसे ये एक पौधा का फोटो हम ले ली, इसको अपलोड कर दिए। तो इस अपलोड हो जाने के बाद आप इसको आक्स कम्युनिटी बोल के जो ऑप्शन है इसको क्लिक कर दीजिए। इसको क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे अपना प्रॉब्लम यहाँ पे लिखना है, और उस प्रॉब्लम का आपको क्या लग रहा है वो डिस्क्रिप्शन आप देने से, यहाँ पे देने से वो फिर सेंड कर दीजिए। तो वो एक्सपर्ट के पास चले जाएंगे और वो एक्सपर्ट आपको रिवर्ट करेंगे कि इसको क्या करना चाहिए। ये एक प्रोसीजर्स है इसका। और दूसरा है कि फर्टिलाइज़र कैलकुलेटर, सारे किसान भाई को भी और जो नए एग्रीकल्चर प्रोफेशनल्स है जो एग्रीकल्चर फील्ड पे काम करते हैं उनको फर्टिलाइज़र कैलकुलेशन में भी थोड़ा दिक्कत होता है कि पर हेक्टर या पर एकड़ कितना डोज का फर्टिलाइज़र देना चाहिए और कैसे देना चाहिए, उसके बारे में भी थोड़ा कन्फ्यूजन रहता है। तो वो इस ऐप से भी दूर हो जाए। जैसे ये फर्टिलाइज़र कैलकुलेटर पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको नीचे तीन ऑप्शन दिया हुआ है, एकड़, हेक्टर और गुंता। जो जनरली हम लोग एकड़ पे कैलकुलेशन करते हैं, तो एकड़ पे आप यहाँ पे प्लस माइनस करके अपना जमीन का एकड़ दे सकते हैं कि इतना जमीन पे मैं कितना फर्टिलाइजर यूज करूँ और कौन सा क्रॉप के लिए। जैसे यहाँ पे राइस दिया हुआ है तो राइस के लिए क्या फर्टिलाइजर चाहिए और कितना देना चाहिए। तो यहाँ पे मैं एक एकड़ अगर कर देते हैं, मेरा जमीन एक एकड़ है, तो वहाँ पे एकड़ पे कैलकुलेट कर दीजिए। तो यहाँ पे देखिए आगे कि यहाँ पे लिखा हुआ है चूज योर प्रेफर्ड फर्टिलाइजर कम्बिनेशन। अब दो तरह का कम्बिनेशन यहाँ पे दिया हुआ है, एक है एमओपी एसएसपी यूरिया, दूसरा है डीएपी एमओपी यूरिया। कहीं पे कुछ कुछ रीजन पे एमओपी एसएसपी यूरिया यूज़ किया जाता है, कुछ कुछ रीजन पे एमओपी के जगह पे एसएसपी के जगह पे डीएपी यूज़ किया जाता है। तो आप किसी एक को भी सिलेक्ट कर लीजिए यहाँ पे। तो यहाँ पे पूरा आ जाता है कि आफ्टर सोइंग क्या करना है, वीक 4 में क्या करना है, वीक 9 पे क्या करना है, कब क्या फर्टिलाइजर देना है, और इसको आप सेव करके भी यहाँ पे रख सकते हैं। यहाँ पे आप सेव करके फिर है पेस्ट एंड डिजीज, यहाँ पे आप क्लिक कीजिए। पेस्ट एंड डिजीज जो राइस का हम यहाँ पे बोल रहे हैं, तो राइस के यहाँ पे चार मेजर्स डिजीज और पेस्ट का दिया हुआ है, जैसे एपिड्स है, गोल्डन एप्पल स्नेन है, राइस हिप्सा है और राइस स्केस ओमो। ये चार जो मेन जनरली होते हैं अभी का सीजन पे, वो चार वो दिए हुए हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे कुछ है जो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आप कोई भी जो भी डिजीज आपका लगा हुआ है यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। फॉर यहाँ पे एज एग्जाम्पल हम ले लेते हैं कि एबिट्स का यहाँ पे आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आप सब कुछ इसका देख सकते हैं कि कैसे ट्रीट कर सकते हैं इसका, इससे क्या हो सकते हैं। और आप इसका ये व्हाट्सएप का जो ऑप्शन दिया है, यहाँ पे व्हाट्सएप ऑप्शन पे जाके भी आप इसका
डिटेल क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं। तो ये एक है, ये अपने यहाँ पे इंग्लिश पे लिखा हुआ है, ये ऐसा कुछ मैंडेटरी नहीं है। जब ये आपको आप डाउनलोड करेंगे, लॉगिन करेंगे, तो आपके अपना भाषा पूछा जाएगा कि आप कौन सा लैंग्वेज के लिए ईजी है। तो उसमें रीजन वाइज लैंग्वेज है, उसमें बंगाली है, हिंदी है, तमिल, तेलुगु, मराठी, असामीज, सब सारे लैंग्वेज उसमें आपको मिल जाएंगे। तो किसी भी लैंग्वेज का आप सिलेक्ट कर लीजिए, तो आपका जिसका आपका जो प्रेफरेबल लैंग्वेज है वो उसमें यहाँ पे दे देंगे। तो यहाँ पे दो चीज़ बेसिकली देते हैं, एक है प्रिवेंटिव मेजर्स क्या होता है और दूसरा है ट्रीट नाउ। आपको अगर अभी ट्रीट करना है तो उसका भी दो पर्टिकुलर ऑप्शन रहता है, एक बायोलॉजिकल कंट्रोल और दूसरा है केमिकल कंट्रोल। यहाँ पे डिटेल पे लिखा हुआ है और कितना देना है वो आपको पता चल जाएगा। तो ये आप लोगों को काफ़ी हेल्प कर सकता है। तो ये मेन तीन फीचर्स इस ऐप का है जो आप यहाँ पे देख सकते हो और आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो और अगर इसका और भी बहुत पार्ट है जहाँ पे हम लोग डिस्कस करते हैं, तो आगे का वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो व्यूअर्स, ये था इस ऐप के बारे में थोड़ा बहुत ब्रीफिंग। आशा करते हैं कि आपको अच्छे लगे हैं, और आपका अगर कुछ क्वारीज है तो आप कमेंट्स बॉक्स में डाल सकते हैं आपका क्वारीज, मैं इसका आंसर करने की कोशिश करूंगा। और आप लोग चाहे तो इसका और डिटेल करने के लिए मैं आगे और एक वीडियो बना सकता हूँ। तो थैंक यू वंस अगेन फॉर ऑल व्यूअर्स, और जो मेरा नया व्यूअर्स है, नया फर्स्ट टाइम चैनल पर आया हूँ, उनको कि अगर आप नए फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल का और बेल बटन को ऑन कर दीजिएगा, क्योंकि आपको आगे का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और जो मेरा ऑलरेडी सब्सक्राइबर है उनको तो मेनी मेनी थैंक्स। तो यहाँ पे व्यूअर्स, आज मैं अपना वीडियो क्लोज करता हूँ और आगे एक नया वीडियो मैं जल्द ही लेके आऊँगा।